for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो है असम यूनिवर्सिटी के बैक पेपर के रिगार्डिंग। सो TDC एंड FYUG दोनों सेशन के स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेम से लेके फिफ्थ सेम तक जितने भी स्टूडेंट्स से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे, क्योंकि आज के वीडियो में बैक पेपर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के एंड थर्ड सेमेस्टर के भी। सो आपको इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं भी होंगे क्योंकि कॉलेज की तरफ से ये सब इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया नहीं जाता है। सो आज की वीडियो में ट्राई करेंगे जितना भी बैक के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन से असम यूनिवर्सिटी के आप तक क्लियर करने के लिए। सो आप लोगों को क्या करना है, हर बैठ के वीडियो में एंड तक बना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो असम यूनिवर्सिटी के अंडर से बैक पेपर के जो फर्स्ट रूल्स है, अगर आपका किसी सेमेस्टर में बैक होता है, जैसे फर्स्ट सेम में आपका बैक हुआ, देन आप थर्ड सेम फिफ्थ सेम और अभी FYUG के तो 4 साल हो चुके हैं, सो सेवेंथ सेम में भी आपको चांस मिलेंगे बैक पेपर क्लियर करने के। अगर फर्स्ट सेम में आपका बैक हुआ, मतलब और सेम के जो एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ, तो और सेम के बैक होने से और सेम में आपको चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए। इवेंट सेम जो होता है सेकेंड फोर्थ सिक्स एंड एट, तो इवेंट सेम का बैक होने से आपको इवेंट सेम में क्लियर करना होगा। जिनका सेकेंड सेम में बैक होगा उनको फोर्थ सिक्स एंड एट में चांस मिलेंगे। सेकेंड जो रूल से बैक पेपर के, अगर आपका फर्स्ट सेम में कोई बैक हो जाता है देन थर्ड सेम के जो फ्री एडमिशन होते हैं आपके, फ्री एडमिशन असम यूनिवर्सिटी टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब फ्री एडमिशन आपको फिर से नहीं मिलेंगे अगर आपका बैक हो गया तो। अगर आपका बैक नहीं होगा देन इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू आपको फ्री एडमिशन मिलेंगे। थर्ड जो बैक पेपर के रूल्स है असम यूनिवर्सिटी के, फोर्थ सेम तक अगर आपके 6 बैक पेपर हो जाते हैं देन आपके फाइनल सेम जो होते हैं सिक्स सेम एग्जाम आप लोग दे नहीं पाओगे। ये असम यूनिवर्सिटी का और एक रूल्स है बैक पेपर के रिगार्डिंग। काफी स्टूडेंट्स को इस रूल्स के बारे में पता नहीं होता है, सिक्स सेम में जाने के बाद उनको इसके बारे में पता चलता है। सो फर्स्ट सेम से अच्छे से आप लोग अपना प्रिपरेशन करो ताकि इतना बैक भी आपका ना हो। एंड फोर्थ जो बैक पेपर के रिगार्डिंग रूल्स है असम यूनिवर्सिटी के, CBCS के जितने भी स्टूडेंट्स हो आप लोगों का ग्रेजुएशन तो 3 साल के होंगे और FYUG के जितने भी स्टूडेंट्स हो आप लोगों का ग्रेजुएशन होगा टोटल 4 साल का। सो CBCS के स्टूडेंट्स के 3 साल के साथ एडिशनल आपको और 3 साल मिलेंगे बैक पेपर क्लियर करने के। 2 साल तो रेगुलर बेसिस में होंगे और 1 साल आपका स्पेशल चांस होगा। सेम एस FYUG के जितने भी स्टूडेंट्स हो 4 साल के साथ और एक्स्ट्रा टू ईयर सबको मिलेंगे बैक पेपर क्लियर करने के, मतलब मैक्सिमम आपको 6 ईयर्स टाइम मिलेंगे बैक पेपर क्लियर करने के लिए। सो ये 4 मेजर असम यूनिवर्सिटी के बैक पेपर के रूल्स है। ऑलरेडी बैक है आपको तो इस रूल्स के बारे में जानना होगा ही क्योंकि ये आपके रिगार्डिंग है, और जिनका अभी तक बैक नहीं लगा है ट्राई करो बैक ना लगे, क्योंकि बैक लगने के बाद पता है स्टूडेंट्स को लोगों का हाल क्या होता है, हम लोग फेस करते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, सो पता है उनका हाल क्या होता है बैक लगने के बाद। सो ट्राई करो अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि बैक ना हो और अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दो और अच्छा रिजल्ट लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो ऐसे फर्दर ग्रेजुएशन लेवल के गाइडेंस वीडियोस में ट्राई करूंगा आप लोगों को देने के लिए ताकि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चले। और बाकी कुछ डाउट रहे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी तो है, सो मुझे आप लोग DM करके क्वेश्चन कर सकते हो। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को याद करके ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो ऐसे आप इसके स्टूडेंट मेरे साथ बने चल के साथ जुड़े। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।